Have a very nice morning to all of you, my dear viewers. Welcome back to my channel, ज्ञान की मोती. Dear viewers, सूर्य तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं. और हमारे सौर मंडल में आप सभी को पता है कि 8 ग्रह हैं. डियर व्यूवर्स, हमें ये तो जानकारी है कि ग्रह 8 हैं, लेकिन शायद हमें ये जानकारी नहीं कि आकार, द्रव्यमान, घनत्व, परिक्रमण अवधि, सूर्य से दूरी और कक्षीय वेग के अनुसार हमारे ग्रहों का क्रम बदल जाता है. आज की वीडियो में हम इन्हीं क्रमों के विषय में अध्ययन करेंगे. और हाँ, हम ये भी जानेंगे कि टेरेस्ट्रियल ग्रह और जोवियन ग्रह क्या होते हैं. इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसी वीडियो के बीच में मैं आपको बताऊंगी कि टेरेस्ट्रियल ग्रह और जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं. तो चलिए, बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं आज का अध्ययन कार्य, क्योंकि इस अध्ययन से रिलेटेड कई प्रश्न विभिन्न प्रकार की एक दिवसीय परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं. सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम. मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ कि अवरोही और आरोही क्रम में क्या अंतर होता है. डियर व्यूवर्स, आरोही क्रम का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, जिसे हम इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. जब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे आरोही क्रम कहते हैं. जैसे संख्याएं दी हुई हैं 12, 8, 18, 5, 2, 9, तो इनका आरोही क्रम होगा 2, 5, 8, 9, 12 और 18. अब इसके विपरीत है अवरोही. अवरोही क्रम का अर्थ होता है घटता हुआ क्रम, अर्थात जब संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे अवरोही क्रम या इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. जैसे संख्याएं हैं 12, 8, 18, 5, 2, 9, तो इनका अवरोही क्रम होगा 18, 12, 9, 8, 5 और 2. अब आपको वीडियो देखने में और भी आसानी होगी. सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, यानी जैसा आकार होगा सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा. तो सबसे पहला ग्रह है बृहस्पति ग्रह, दूसरा है शनि ग्रह, तीसरा है अरुण ग्रह और चौथा है वरुण ग्रह, पांचवा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां बुध ग्रह. यानी सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा है बुध ग्रह. चलिए अब हम अध्ययन करते हैं कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा. सबसे पहला है बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध. यानी सबसे ज्यादा द्रव्यमान है बृहस्पति ग्रह का और सबसे कम है बुध ग्रह का. आइए अब हम घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम जान लेते हैं. जिसका घनत्व सबसे अधिक है वो है पृथ्वी, फिर है बुध, तीसरा है शुक्र, चौथा है मंगल, पांचवा है वरुण ग्रह, छठा है बृहस्पति ग्रह, सातवां है अरुण ग्रह और आठवां है शनि ग्रह. यानी सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का है और सबसे कम शनि का. चलिए अब परिक्रमण अवधि और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम हम जान लेते हैं. जी हाँ, अवरोही का विपरीत आरोही क्रम, यानी बढ़ते हुए क्रम में. सबसे पहला है बुध ग्रह, जिसको सबसे कम अवधि लगती है परिक्रमा करने में और सूर्य से इसकी दूरी भी सबसे कम है. उसके बाद है शुक्र ग्रह, फिर है पृथ्वी और मंगल, पांचवा है बृहस्पति ग्रह, छठा है शनि ग्रह, सातवें नंबर पे है अरुण ग्रह और सबसे अंत में है वरुण ग्रह. क्योंकि ये ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए इसको परिक्रमा में भी सबसे अधिक समय लगता है. चलिए अब कक्षीय वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम जान लेते हैं. लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि कक्षीय वेग का अर्थ क्या है. What is orbital velocity? जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसका मार्ग वृत्तीय होता है. ग्रह एवं उपग्रह के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है. उपग्रह एक निश्चित वेग से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, इस वेग को ही कक्षीय वेग कहते हैं.
तो चलिए अब क्रम भी जान लेते हैं जो कि अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में है। सबसे पहले है बुध ग्रह, फिर है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और अंत में वरुण ग्रह। चलिए अब हम जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल ग्रह कौन कौन से हैं और उससे पहले हम जानेंगे कि टेरेस्ट्रियल ग्रह का अर्थ क्या है। स्थलीय ग्रह या चट्टानी ग्रह, ये ग्रह मुख्य रूप से सिलिकेट शैल अथवा धातुओं से बने हुए ग्रह होते हैं। हमारे सौर मंडल में स्थलीय ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम आंतरिक ग्रह हैं, जिनमें हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये टेरेस्ट्रियल ग्रह यानी स्थलीय ग्रह कहलाते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि जोवियन ग्रह कौन कौन से होते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि जोवियन ग्रह का अर्थ क्या होता है। डियर व्यूअर्स, हमारे सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून, जिन्हें हम हिंदी में अरुण और वरुण ग्रह कहते हैं, सामूहिक रूप से समूह बनाते हैं, जिन्हें हम जोवियन ग्रह के रूप से जानते हैं। जोवियन ग्रहों की सामान्य संरचना स्थलीय ग्रहों के विपरीत होती है। तो ये ग्रह हैं बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। डियर व्यूअर्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं विदा लेती हूँ आज के इस वीडियो से। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। थैंक यू।